안녕하세요. 안녕하세요. 일로 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 두바라 보라 일로 일로 보고. 맛도 들어. 언제 맛 끊니? 알로. 남편이 아니가 보네. 아래 되게 아 गया. 남편이 아니. और आज फिर से लेट हो गया. हाँ यार आज डे शिफ्ट भी कर ली थी. अच्छा यार सुनना, पेट में बहुत चूहे कूद रहे हैं, चलना नीचे गल्लू के ठेले से कुछ खा के आते हैं. नहीं आज नहीं यार, आज आज बहुत काम है, आधी रात होने को आई है यार और पूरा काम पड़ा है मेरा. अरे चलना यार, गल्लू का ठेला तो खुला रहता है आधी रात. नहीं आज नहीं, कल पक्का चलेंगे. चल अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ, तुम जाओ. तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? एडीएसएल में काम करते हो? हाँ लेकिन तुम कौन हो? मेरा नाम दीपक है, मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है. वैसे तुम यहाँ कर क्या रहे थे? कुछ काम था. तुम यहाँ क्या कर रहे थे? मैं, मेरा यही पास में घर है, यही ऑफिस के पास में. लो ऑफिस आ गया. अरे सागर क्या हो गया? मैं अपनी आईडी भूल के आ गया हूँ, रुको तुम यहीं, मैं आया. अरे छोड़ो ना यार, बस 2 मिनट लगेंगे. चलो ठीक है. यार यार यहाँ से चलो यार. लेकिन तुम इतने डरे हुए क्यों? चेयर अपने आप हिल रही थी. और क्या हुआ, क्या है अंदर? चेयर अपने आप हिल रही थी, कंप्यूटर बार बार ऑन ऑफ भी अपने आप हो रहा था. चलो चलो ना यहाँ से. पता है, लगता है तुम्हें नाइट शिफ्ट के कारण ज्यादा स्ट्रेस हो गया है. ठीक है कोई बात नहीं, चलो बाहर ताजी हवा खा के आते हैं. घबराओ मत, ये सब मेरे साथ भी हो चुका है, मत सोचो इस बारे में ज्यादा. लेकिन लेकिन तुमने तो कहा था कि तुमने अभी अभी ज्वाइन किया है, फिर ये नाइट शिफ्ट कैसे? नहीं नहीं, दरअसल मैं अभी ओवर टाइम कर रहा हूँ, वो मेरे फ्रेंड को जरूरत है पैसों की. ये कैसा आदमी है, स्टॉल खोल के अभी तक सो रहा है? वो सब छोड़ो यार, पहले ये बताओ तुम्हें भूख लगी है? यार मेरे पेट में तो बहुत चूहे कूद रहे हैं, बताओ तुम क्या खाओगे? तो प्यास तो लगी होगी. प्यास भी नहीं लगी, लगता है अभी अभी खाना खाया था. वैसे आखिरी बार कब खाया था? सांस ले पा रहे हो? सागर
अब कैसा लग रहा है? कौन हो तुम? और तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? तुम्हारा जन्म और मृत्यु सब जानता हूँ। मृत्यु? नहीं, मैं मरा नहीं हूँ। नहीं सागर, विचारों से ना लड़ो, उन्हें बहने दो, उन्हें नकारो मत। मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, तुम्हें क्यों जाने दो? लो मुझे जाने दो, मुझे घर जाने दो, मुझे घर जाने दो, जाने दो प्लीज, जाने दो प्लीज। यही तुम्हारा घर है और हम तुम्हारे अपने। मुझे घर जाना है। ये मेरा घर नहीं है। मुझे घर जाना है। ये मेरा घर नहीं है। नहीं मेरा घर नहीं है। हताश होने से सच्चाई बचती नहीं सागर, तुम्हें सत्य स्वीकारना ही होगा। जो लोग तुम्हारी तरह बेमौत मृत्यु प्राप्त करते हैं, उन्हें अपनी मौत पर विश्वास नहीं होता और वे लौटकर उसी दुनिया में अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं। इनकी इन्हीं हरकतों को लोग परलौकिक घटना समझकर डरते हैं। सच्चाई को देखने और समझने की कोशिश करो, तुम में बहुत ऊर्जा है, उसे अपने चारों ओर बहने दो, तुम्हें सब कुछ साफ साफ दिखने लगेगा।